जी हाँ, मैं ये शाहीन बाग के GA 58 से बोल रही हूँ। यहाँ पर आज तक जो है सीवर का प्रॉब्लम ख़त्म हुई नहीं। ये आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। यहाँ हर टाइम यही प्रॉब्लम है, वोटिंग के टाइम यही होगा ना। इसका सीवर का है सिस्टम, ना लाइट का है सिस्टम, और ये परेशानी इतनी बदबू आती है, और रहने वालों को भी कुछ किसी को भी असर भी नहीं है। यहाँ पे चाहे कितना पानी का नाव चले। प्रॉब्लम तो काफ़ी है, कुछ दिन पहले भी पूरे मोहल्ले वालों ने मिल के इसकी सफाई करवाए थे, बट कुछ ही दिन सफाई के बाद इसकी ये हालत है। काफ़ी बदबू आती है, बहुत सारे मच्छर है, लोग बहुत ज़्यादा लोगों को आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मेरी ये निवेदन होगा कि इसे कुछ किसी तरह से इसकी सफाई करवाएं। लोगों को बहुत सारी आ रही है प्रॉब्लम, गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है, पानी सर मतलब बदबू भी बहुत ज़्यादा ही इसमें होती है, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोली इसकी हालत। और आप देखिए जी, मेरा नाम दानिश है और ये GA 58 शाहीन बाग है। आप पीछे देख सकते हैं हमारे कितनी गंदगी हुई है। ये रोज़ बच्चों को स्कूल जाना होता है, लेडीज़ों को जाना होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को ऑफिस जाना होता है। देख सकते हैं आप कि कैसे आदमी जा रहा है, ईटा रख के यहाँ पर वो जा पा रहा है, और हमने कई बार कंप्लेंट की, इवन चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी कंप्लेंट कर दी है, उसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा है वहाँ से भी। और इससे बीमारी कितनी फैल सकती है, मच्छर आ रहे हैं, बिल्डिंग पे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ये आपसे निवेदन है कि आप इसको जो है कहीं भी जल्दी फॉरवर्ड करके इसका कंप्लेंट को सॉल्व करवाया जाए। अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले मैंने कई बार आपको रिमाइंडर दे चुका हूँ, ओखला टाइम्स को एक बार इंटरव्यू दिया था कि इस पानी के मसले में अभी तक कोई इसका शॉर्ट आउट नहीं किया गया। इसको हम लोगों ने काफ़ी दिनों से फॉलोअप में रखा है, लेकिन अभी तक इसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इसका पानी जो है गंदगी होने की वजह से पूरा बेसमेंट में पानी घुस रहा है, न्यू में घुस रहा है, बिल्डिंगों को काफ़ी ख़तरा हो सकता है। कभी भी किसी भी बिल्डिंग कभी किसी वक्त भी बैठ सकती है। इसलिए आपसे ओखला टाइम्स वाले से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि इस मसले पर हल किया जा सके। थैंक यू। ठीक है, आपके सामने ये मौजूद है, यहाँ पे देख ही रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, तालाब की तरह गंदा पानी है, सीवर का पानी है, और बच्चे कैसे निकले हैं, लेडीज़ कैसे जाएं, हम लोग कैसे निकले हैं, सीनियर सिटीज़न कैसे निकले, डाक के कहीं गिर जाएं। इसके लिए कोई समाधान, कोई नया सीवर लाइन पड़े या कुछ भी पड़े, जो भी हो सरकार को समझना चाहिए, करना चाहिए। उसके लिए जो है बार बार शिकायत की जाती है, कोई अक्षर ही नहीं होता उस पर, जो कुछ काम ही नहीं होता। वो भी निकल जाएगा, हम वो निकल जाएगा।